ओए विक्कू, हाँ बाबा, क्या हुआ? इधर आओ ना। हाँ रहा हूँ, हुआ क्या है बताओ। सब कुछ वहीं से सुनना है या फिर तुमको इधर आना भी है? आ रहा हूँ। क्या हुआ है सूरजी को? क्या हो गया? अरे कितने देर लगा जान, मैं ना आलू के पराठे बना रही थी तो मेरा हाथ जल गया यार। कहाँ, कौन सा चला है? ये लो उसको मैं किस कर दूँ। सही हुआ। अब तो सब सही है। अरे अरे ये कौन सी बात हुई, अब तो सब सही है। लाओ अब तो फिर से करूंगा। नहीं। हुआ यार, तुमको यही सब करवाना था, तुम मेरे को बुला, मतलब वहीं आ जाते ना तो मैं तुरंत कर लेता। थोड़ी थोड़ी ना नौटंकी करनी होती, वैसे भी तुम्हारा हाथ पैर जला नहीं है, बस नौटंकी कर रहे हो ये कोई नौटंकी नहीं है, मेरा हाथ सच में जला है। अरे यार। जला होता ना तो फिंगर आपकी लाल होती ना, लाल पड़ी ना काली। क्या, मुझे आपसे कोई बात करनी नहीं क्यों नहीं बात करनी है? हाँ है। इतना भी मतलब इतनी भी मेरी फीलिंग्स को नहीं समझते तुम, रहने दो। अरे मैं समझता हूँ यार, समझता ना हो तो मैं क्या आता तुम्हारे पास किचन के अंदर, मैं अपना काम ही कर रहा होता। अगर समझते होते ना तो आप ये नहीं बोलते कि तुमने नौटंकी की है। ये नौटंकी है, अच्छा पापा सॉरी, गलती हो गई, और माफ वैसे भी कर। जलने जलने के बाद ना तुरंत लाल नहीं होता, क्योंकि थोड़ी देर बाद होता है। एक बात याद है कि नहीं याद है, क्या याद है? जब हम लोग इसी किचन में खड़े थे, मतलब ऐसे बातें कर रहे थे, तो आपने मेरे को उठा के तवा के ऊपर बैठा दिया, तो मेरा तो पूरा लाल हो गया था तुरंत। वो याद है कि नहीं, क्यों भूल गए? मेरा लोअर भी जला दिया था तुमने, छेद हो गया था उसमें तो। हाँ हंस लो, हंस लो, तो हंस लो, तुम हंस लो। उस दिन जब ये वाला कांड हुआ तो तुम, हमें लग रहा है तुमने तो आधे घंटे हंस रहे थे ना। है। मैं यहाँ, मेरे यहाँ पिछवाड़े में फटा जा रहा था, तुम यहाँ की तुम्हारा हंसी नहीं रुक रही थी। पाक तुमने किया ही है तो कोई क्या करेगा। जरूरी था क्या तुमको उठाना, उसी तवे के ऊपर बैठा दिया, हमने सोचा ठंडा होगा। ठंडा क्या, उसने तो पूरा गर्म कर दिया। हाँ तो आप मुझे गुस्सा कितना दिला रहे थे, मेरा मजाक उड़ा के। अरे तो मजाक वाली बात अलग होती है, मतलब पूरा जल जाता तो फिर मैं बैठने के लायक भी ना होता। एक बात बताओ, बोलो। उतना जला था ना तो भी आप बैठने के लायक नहीं बचे नहीं बट फिर एक दो दिन बाद बैठ तो गया था ना, उल्टा लेटना पड़ता था मुझे। मुझे 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 तो ये मतलब अब ऑफिस जाते थे ना तो मुझे तो ये लगता था वहां जाके लोग क्या सोचते होंगे। अरे ऑफिस में मैं ना सीट में बैठ नहीं पाता था, मैं खड़े होके काम करता था, सारे लोग पूछते लोग होंगे इनका क्या कोई व्रत है खड़े होने का। फिर मैं उनको क्या बताऊं, तो मैंने ये बोल दिया, अरे नहीं ठीक है यार, कुर्सी टूटी है। मैं बैठ नहीं पा रहा था, बोलना था ना। जो कुर्सी के ऊपर जो बैठते हैं ना वो टूटा था ना। तुम हंस लो, अच्छा वो नहीं सब छोड़ो, नहीं आप वो हंस सब लो, छोड़ो। आपको तो बड़ी मजा आ रही है। अभी को तुम्हारा हाथ इसी तवे के ऊपर रख देंगे ना तो मजा आ नहीं जाएगा। नहीं ए नहीं ए नहीं। मैं हाथ नहीं रख रहा हूँ पता है, रख दूंगा ना अगर तुमने तो। हाथ क्या मेरा तवे पे रख दिया ना तो मैं अपने मम्मी पापा को कह दूंगी कह दोगे? कि इन्होंने देखो मेरा हाथ जला दिया। और तो मैं क्या बोलूं कि इन्होंने ना मेरा बम जला दिया आप बता नहीं पाओगे इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ। नहीं था। मैं बता दूंगा, अभी जाऊं बताने, मैसेज कर नहीं दूंगा। मैं फोन ही तोड़ दूंगी। मैं पागल हूं क्या? बताऊंगा तो मेरी बेइज्जती होगी। आज की फिर तारीख पूरे सब पूछेंगे बिक्कू आपका जो टूट गया था वो सही।
गुड न्यूज आएगी, आज की ताजा खबर, विक्की की वाइफ ने उसका बम जलाया। अब यही इतने तड़ाके लगाएंगे ना तो सारे अड़ोसी पड़ोसी सुनने लगेंगे। चलो पराठे बन गए, चलें अब। लास्ट ही था ये। यहीं पर रख दो, हम लोग तो खा चुके हैं, मम्मी पापा आएंगे। और ऐसा करते हैं वो ना, आप ये तो थाली, लेट आने वाले हैं, लेट आने वाला है तो फिर ये पराठे कौन खाएगा? मतलब उन्होंने कहा है कि रख देना हम आके खा लेंगे, तो ठीक तो है तुम फिर, लोग ना खाना खा के मतलब सो जाना, मतलब ये। ठीक है तो चलें फिर हम लोग। चलते हैं, एक मिनट रुको, खिड़की बंद करने दो मुझे। बंद कर लो, बंद कर लो। चलो ये वो हाँ पानी, पानी लिया ना, गिलास। ठीक है, ये लो। यार उस दिन जब हम लोग पार्टी में नहीं गए थे अपने फ्रेंड की, वो नहीं मतलब एक वो अभी जो जिनकी न्यू न्यू शादी हुई है, हम ही लोग के आस पास हुई थी जब, तो वो कपल्स कितने प्यारे थे। और उनका मतलब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि शादी के मतलब, हाँ ठीक है 1 साल हो गए हैं, हम लोगों की भी 1 साल हो गए हैं, बट यार इतनी जल्दी कौन करता है बेबी? उन्होंने तो कर दिए। अरे क्या कर दी? मतलब उनका तो एक बेबी हो गया, वो भी अभी 1 ही साल हुआ है। मानता हूँ यार ठीक है हो जाता है, बट इतनी जल्दी कौन करता है? टाइम लो यार थोड़ा सा, फिर करो। हफसी थे क्या दोनों? नहीं, उन्होंने अपनी तरह से प्लानिंग की होगी। हाँ बट हम लोग ने तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं है। चलें फिर लेटे। हाय पिल्लो कहाँ गई? लाइट ये रही। ऑफ करो। अब इधर क्यों, अरे कहाँ, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? नहीं, यही तो लेटा हूँ। क्यों नींद नहीं आ रही क्या? नहीं, क्यों तुमको पता है कि फिर भी पूछ रहे हो क्यों? अच्छा मुझे टच करे बेकार मतलब नींद नहीं आती, ऐसा कुछ? लो हेड रख, मतलब रख यार इतनी तेज। ऐसे करते हो जैसे कि मैं तुमको दबा रहा हूँ। तो पागल लड़की। सुकून मिल रहा होगा ना ऐसे लेटने में। अब हाथ कौन पता है, रखे? सुनो, पता है आप ऐसे बोलती हो ना कि आदत हो गई है। और एक बात बोलूं, शादी के बाद ना सब लड़कियों की ये एक आदत होती है। अब वो तो मानता हूँ होती है, बट कोई कोई ऐसे चुड़ैल और डाइन मिल जाते हैं ना एक दूसरे को, आदत क्या हो तो फिर छूते भी नहीं है दूसरे एक दूसरे को। बट मैं किस्मत वाला हूँ कि आप जैसा मिला मैं। अब आप मैं भी बस बिन केयरिंग वाला, अच्छे नेचर वाला और फुल कॉमेडी करने वाला। अच्छा मैं मतलब जो मेरे काफी फ्रेंड्स हैं, तो मैंने उनसे पूछा था, मतलब लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं, तो मैंने लड़कियां से पहले पूछा कि मतलब तुमको कैसा मतलब हस्बैंड चाहिए, और काफी लड़कियों को तो शादी भी हो गई, तो मैंने ये पूछा था मैंने कि तुमको कैसा हस्बैंड चाहिए, मतलब क्या? तो बोलती है कि पहला कि वो उसके पास बहुत पैसे होने चाहिए, अमीर होना चाहिए, रॉयल होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने कहा और? बोलती हैंडसम होना चाहिए, डोले सोले होने चाहिए, बॉडी सॉडी। मैंने कहा अच्छा। तो उसके बाद तो बोलती है कि मेरे को ना मतलब जमीन में रहने की आदत ना पड़ाए, मेरे को ना बस हवाई जहाज मतलब एरोप्लेन में घुमाते रहे। मैंने कहा मतलब एयरक्राफ्ट वाला चाहिए। हाँ। तो मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने कहा एक बात बताओ। तो बोलती हाँ। मैंने कहा कभी आपका पासपोर्ट बना है?
बोलती नहीं, बोलती नहीं। मैंने कहा कैसे घूमने जाओगे, तो मैंने कहा सुनो, सर हाँ वो ना क्या करेगी पता है, घूमती क्या खुद शेयरिंग ऑटो में है और घूमना उसे एरोप्लेन में। देखो मेरी थियरी के हिसाब से ना, बंदा के पास पैसे भले ना हो, ठीक है, अच्छी अच्छी होटलों में भले ना घुमाए, पर हाँ लास्ट में रात को ना ये बोलना चाहिए, चलो यार हम दोनों टहलने जाते हैं और शांति से, बस 15 मिनट या 20 मिनट का भी टाइम हो ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, टाइमिंग इम्पोर्टेंट है एक दूसरे की, ये सब नहीं होता इम्पोर्टेंट। हाँ ये तो है। और पैसे तो वो कमा ही लेगा। अरे तुमको नहीं, मैं तो यही बोल रहा था उससे, तुमको इतना रॉयल बंदा चाहिए तो तुम भी तो रॉयल बनो, तुम भी तो कुछ करो। नहीं तुमको तो रॉयल चाहिए ऐसे। अच्छा चलो ठीक है, फालतू की बात बहुत होगी, फिर सोया जाए। चलो सोते हैं, सुबह उठना भी है मुझे। चलो बाय, गुड गुड नाइट। नाइट।